एक मिनट गाइस, अभी स्टार्ट करता हूँ, अभी रुक जाइए, बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक गए, बस यहाँ कुछ टेक्निकल एरर आ गया है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, बस टेक्निकल एरर आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। वेट गाइस, वेट वेट कीजिए, बस 2 मिनट में बस अभी अभी ठीक हो जाएगा। क्या आपको पूरा नज़र आ रहा है, पूरा स्क्रीन नज़र आ रहा है? 1 मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं भी। 1 मिनट गाइस, बस चलेगा, स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। चलिए चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। आज आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट, चलिए बहुत सही, अब आज सही है, बिल्कुल टेक्निकल एरर दूर हो चुका है। चलिए अब दूर कर शुरू करते हैं। आज हमारा एज ए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यूपीएससी को ध्यान में रख करके आपका सीपीएफ और सीडीएस और सीपीएफ को ध्यान में रख करके ये इवेंट क्रिएट किया गया है। साथ साथ में अगर आप यूपी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, क्योंकि लेवल इसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, और अच्छी तरह से एक एक डायमेंशन करेंगे। तो चलिए, दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यानी एक तरफ लेक है, दूसरी तरफ जो है आपका टाइप ऑफ लेक है। तो गाइस बताएं क्या उत्तर होगा, भीमताल, अस्तमुदे, गोहना और लोनार। गाइस क्या उत्तर है, जल्दी जल्दी टाइप करें, फटाफट उत्तर बताइए गाइस, क्या उत्तर होगा। प्रियंका यादव का ये सन्नी, सन्नी जी हेलो सर, हेलो हेलो सन्नी जी, कैसे हैं आप? चलिए प्रशांत सक्सेना का, हेलो प्रशांत सक्सेना, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गाइस। चलिए जवाब दीजिए पहले क्वेश्चन का, लेवल बिल्कुल मेंटेन है गाइस, यूपीएससी के लेवल पर हर एक क्वेश्चन को सेट किया गया है, अतः अच्छी तरह से एक एक डायमेंशन को समझिए और करते चलें, ऐसे ही क्वेश्चन के लेवल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं गाइस। तो फटाफट आंसर बताएं क्या उत्तर होगा आपका, प्रियंका यादव का ये। साथ साथ में जयेश, अभी जयेश का आंसर नहीं आया, सनी का आंसर नहीं आया, तेजाश्री का आंसर ये आ गया, तेजाश्री का आंसर ए आ रहा है गाइस। और गाइस सीएम कहां चले गए, सीएम जल्दी जवाब दीजिए क्या उत्तर है। अर्णब दास जी जवाब दीजिए, श्रेया पांडे जवाब दीजिए क्या उत्तर है, फटाफट गाइस जल्दी जल्दी जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। तेजाश्री का ए, प्रियंका यादव का ए, और प्रशांत और जय सन्नी का आंसर नहीं आया, सन्नी का आंसर ए आ गया। चलिए गाइस अगर आंसर की बात करें गाइस,
चलेगा इस, अगर आंसर की बात करें तो आंसर बता दीजिएगा इस क्या उत्तर होगा। चलेगा इस, ए आंसर इज द बिल्कुल सही, ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ए इज द सही आंसर होगा। बिल्कुल गाइस ए इज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट अगर मिस लिस्ट की बात करें तो ए इज द राइट आंसर। अगर भीमताल की बात करें तो ए का तीसरा जाएगा टेक्टोनिक, साथ साथ में अस्थमुदी की बात करें तो अस्थमुदी लैगून, साथ साथ में गोहना की बात करें तो सी का दूसरा, यानी सी का दूसरा ये रहा आपका लैंडस्लाइड, और साथ साथ में लोनार लेक की बात करें तो एज ए क्रेटर लेक है गाइस। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सी एम जी कहाँ चले गए थे आप, जवाब दीजिए क्या उत्तर था। चले गाइस अगर भीमताल की बात करें तो भीमताल आपका उत्तराखंड में है, साथ साथ में अस्थमुदी केरल में है, नोट कर लीजिए, और साथ साथ में गोहना की बात करें तो ये भी उत्तराखंड में है। लोनार झील की बात करें तो लोनार झील एज ए महाराष्ट्र में है गाइस, कहाँ पर है महाराष्ट्र। जबकि अगर एग्जाम्पल की बात करें तो भीमताल लेक टेक्टोनिक का उदाहरण है, जब प्लेटों में आपस में मूवमेंट होती है, जब प्लेटों में आपस में मूवमेंट होती है तो उसके कारण से एज ए जब कहीं पे गड्ढों का निर्माण हो जाए तो उस अकॉर्डिंग लेक का फॉर्मेशन होता है, जिसे टेक्टोनिक लेक कहा जाता है। लैगून लेक की बात करें, जब समुन्दर का पानी जमीन के अंदर आ जाए तब उससे जो लेक का फॉर्मेशन होगा उसे लैगून लेक कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया हो। साथ साथ में अगर यहां पर बात करें लैंडस्लाइड के कारण जब जमीन धस जाती है और ऐसे धसने के कारण अगर उस धसे हुए पार्ट में पानी की मात्रा भर जाए तो लेक का फॉर्मेशन हो सकता है। जबकि ज्वालामुखी के मुहाने को क्रेटर कहते हैं, जब ज्वालामुखी की क्रियाएं बंद हो जाती हैं और उस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसी को क्रेटर लेक कहा जाता है। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। चले गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस, जूम कर दें, जूम तो ऑलरेडी है गाइस, जूम तो चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। चले मैं एक बार और कर लेता हूं, देख लेता हूं जूम नहीं हो रहा तो। अभी सेकंड स्लाइड को आने दो, सेकंड गुजराती बॉय वेट, गुजराती बॉय वेट, वेट कीजिए। गुजराती बॉय वेट कीजिए फटाफट, दो मिनट वेट कीजिए, अभी तुरंत ही पता चल जाएगा। वेट कीजिए गाइस, क्वेश्चन नहीं बदल रहा है, एक मिनट रुकिए। अब आंसर दिखाई दे रहा है गाइस, अब स्लाइड दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से अब स्लाइड नजर आएगा, दो मिनट रुकिए, दो मिनट रुकिए, अभी स्लाइड नजर आ जाएगा गाइस। एक मिनट वेट कीजिए गाइस, वेट कीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, अभी तुरंत ठीक कर देता हूं, रुक जाइए दो मिनट रुकिए। एक मिनट रुकिए गाइस, वेट वेट वेट, नहीं हो रहा, एक मिनट रुकिए गाइस। वेट बच्चों वेट, अभी ठीक कर देता हूं, रुकिए। वेट कीजिए गाइस, ओके आई होप अब ठीक हो गया हो, अब ठीक हो गया गाइस, देखिए ध्यान से, एक मिनट रुकिए, अभी पता चल जाएगा, दो मिनट रुकिए। वेट गाइस अभी ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। ओके आई होप कि अब सही हो गया हो। चलिए ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं, अब बिल्कुल सही हो गया, अब सिस्टम सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके सामने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट है। हिमालयन रिवर्स हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कवर्ड एरिया, हैंस आर ड्राई इन विंटर सीजन। दूसरा स्टेटमेंट है रिवर्स ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू हैव रीच्ड मैच्योरिटी। और तीसरा ऑप्शन है हिमालयन रिवर्स डेपिचिट ऑल द थ्री स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा? रहमान खान जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? रहमान खान जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? चलिए अब बड़ा हो चुका है, गुजराती बॉय करेक्ट हो चुका है, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। चलिए अजय जाट जी जवाब दीजिए, क्या उत्तर है? दिनेश यादव जवाब दीजिए, तेजाश्री जवाब दीजिए, साथ साथ में ज्योति जी जवाब दीजिए, सोनाली सिंह जवाब दीजिए, क्या उत्तर है आपका? फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा आपका? गाइस जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा? कोशिश करें, यू कैन डू दिस। जवाब दीजिए गाइस, जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? रहमान खान का सी, सोनाली का आंसर सी, गुजराती बॉय का एक दो, और रहमान खान का व्हाट आर यू डूइंग, रहमान खान टेक्निकल एरर था जिसे ठीक कर रहा था। चले सीएम का आंसर ऑल करेक्ट। चले गाइस अगर आंसर की बात करें तो आंसर है सीधे केवल एक, यानी केवल दो आंसर, यानी दूसरा स्टेटमेंट सही है और बाकी के सारे तीनों के दो स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यानी हिमालय की नदियां बर्फ से ढके क्षेत्रों में अपनी उत्पत्ति से रखती हैं, सही है, इसलिए सर्दियों के मौसम में सूख जाते हैं, स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर? यानी कि हिमालयन रिवर्स बर्फ के पिघलने से निकलती हैं, ये कंफर्म है, लेकिन सर्दियों के मौसम में सूख जाती हैं ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि वाटर का फ्लो निरंतर बना रहता है। हिमालय नदियां कटाव के सामान्य चक्र के सभी तीनों चरणों को दर्शाती हैं, इट्स रॉन्ग। अभी कोई सा भी स्टेप, तीनों स्टेप में अभी यहां पर गाइस पार नहीं किया गया है, या तीन स्टेज अभी नहीं आए हैं। इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो केवल एक आंसर सही है कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियां अपने मैच्योरिटी एज को पासिंग कर रही हैं, ये स्टेटमेंट सही था। बाकी पहला और दूसरा दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत, गलत। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया हो। चले गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए क्या उत्तर है। तुक्का नहीं लगेगा, याद रखना तुक्का नहीं लग सकता, ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें अगर आता है तभी जवाब आएगा, अन्यथा जवाब नहीं आएगा गाइस, इसलिए तुक्का ना मारें और बिल्कुल सही से पढ़ें और फिर जवाब देने का प्रयास करें गाइस, क्या उत्तर होगा। एक तरफ देखें लिस्ट फर्स्ट है, एक तरफ लिस्ट फर्स्ट और दूसरी तरफ लिस्ट सेकंड, जिसमें पासेस है यानी दर्रा, इसको हिंदी में बोलते हैं दर्रा, और प्लेस को बोलेंगे स्थान। गाइस बताएं, मैचिंग करिए फटाफट, क्या उत्तर होगा आपका? मैचिंग करिए गाइस, क्या उत्तर होगा? यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें गाइस, क्या उत्तर होगा? चले जो जिला, शिपकिला, लिपू लेख, नाथुला, गाइस बताएं क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर है? आराम से पढ़ें और जवाब दें क्या उत्तर होगा। चले दिनेश यादव का डी, बाकी लोग गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है, जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है। सीएम का आंसर सी, दिनेश यादव का डी, सीएम का आंसर सी। प्रियंका यादव जवाब दो क्या उत्तर है, प्रियंका यादव जवाब दो क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए। गुजराती बॉय का 3-1-2-4, अर्णब दास का सी, गुजराती बॉय का 3-1-2-4। चले गाइस अगर इसके आंसर की बात करें, तीसरे के अगर आंसर की बात करें तो तीसरे का आंसर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, यानी डी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं ए का तीसरा जम्मू कश्मीर, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड और नाथुला सिक्किम, ये आंसर बैठेगा। जो जिला दर्रा की बात करें तो ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, नोट कर लीजिए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है गाइस, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। अगर शिपकिला दर्रा की बात करें तो ये शिमला को तिब्बत से जोड़ता है गाइस, तिब्बत, नोट कर लीजिए, तिब्बत को जोड़ता है। लिपू लेक की बात करें तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है गाइस, तिब्बत से जोड़ता है, नोट कर लीजिए। और नाथुला की बात करें तो ये दार्जिलिंग या चुंबा घाटी को तिब्बत से जोड़ता है गाइस, नोट कर लीजिए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन था। यही लेवल है जो आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है गाइस, एग्जाम में इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गाइस गाइस गाइस, जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिस बच्चे ने अब तक शेयर का बटन नहीं दबाया शेयर कर दे। गाइस लाइक जरूर करें और साथ साथ में शेयर जरूर करें गाइस, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके गाइस। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल ग्रुप्स इज डोमिनेंटली फाउंड इन द ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन, जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह मुख्यतः ब्लू पर्वत में पाया जाता है। जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा। लंबदास, गोंड्स, जारवास और टोडास। गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है। जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है फटाफट। जवाब दीजिएगा अर्णब दास, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, चौथे का जवाब दीजिए। अर्णब दास आप सी होगा, सी किसका बता रहे हो। आकांक्षा सिंह का सी, आकांक्षा सिंह का सी। सीएम का आंसर टोडा। चले गाइस और रचना गुप्ता का भी, तेजाश्री का सी, रहमान खान का डी, साथ साथ में और जयेश का आंसर सी आ रहा है। चले गाइस बहुत अच्छा, अगर सी आ रहा है तो सी आंसर सबका सबका गलत हो गया, सबका गलत हो गया क्योंकि आंसर है आपका डी, टोडस। टोडस जनजाति जो है ब्लू माउंटेन्स यानी नीलगिरी में पाई जाती है। यहां पर ध्यान से देखिए, ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका इंडिया गाइस, ध्यान समझना, ये रहा आपका इंडिया। अर्णब दास का जवाब भी गलत हो गया था। अर्णब दास क्या कर रहे हैं बेटा, ये रहा वेस्टर्न घाट, ध्यान समझना गाइस, ये रहा आपका वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पश्चिमी घाट, और ये रहा गाइस आपका ईस्टर्न घाट। ये कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट है, और यही ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहां मिलती है उसको बोलते हैं क्या है, नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू पर्वत, क्लियर। और यहीं पर जो जनजाति पाई जाती है उसे टोडास, टोडस जनजाति के नाम से जाना जाता है। लंबदास की बात करें तो राजस्थान में पाई जाती है, गोंड्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जारवा की बात करें तो ये जनजाति अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है, और ये जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। चले गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए गाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द लार्जेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप सबसे बड़ा है। जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है। चले इतना आसान क्वेश्चन नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हो, इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, इट्स नॉट अ इजी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके CDS, CPF या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या BPSC में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस। याद रहे CPF और CDS की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए कि क्वेश्चन का लेवल यही होगा, यही लेवल होगा, बस लेवल को टच कर दो सिलेक्शन तो कंफर्म होगा गाइस, सिलेक्शन तो कंफर्म होगा। चले जवाब दीजिए क्या उत्तर है। प्रियंका यादव का भी, साथ साथ में रचना गुप्ता का जवाब नहीं आया, साथ साथ में रचना गुप्ता का भी। चले गाइस और गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है, फटाफट जवाब दीजिए। जैक स्पैरो सुमात्रा, जैक स्पैरो का आंसर सुमात्रा आ रहा है। गुजराती बॉय का जवाब नहीं आया, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। प्रशांत कुमार का डी, चले प्रशांत कुमार का डी। चले गाइस और कोई जवाब दे सकता है इसका जवाब। चले गाइस इसका आंसर है आप,
सीएम कोई कंफ्यूजन नहीं है, अभी दूर कर देता हूं। पपुआ न्यू गिनी इज द राइट आंसर, पपुआ न्यू गिनी इज द राइट आंसर गाइस, पपुआ न्यू गिनी इज द राइट आंसर, यानी आंसर आपका सी इज द राइट होगा। सी आंसर बिल्कुल सही होगा, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। विशाल तिवारी, विशाल तिवारी गलत हो गया आपका, ध्यान से देखे। अच्छा अर्णब दास कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का एक बार ऑप्शन देख लीजिए। अच्छा ठीक है अर्णब दास, क्या हो गया था 3 में बताइए, 3 में क्या प्रॉब्लम थी? जोजिला दर्रा बताया था, जोजिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर, शिपकिला बताया था हिमाचल प्रदेश, लिपू लेक बताया था कहां पर उत्तराखंड, और नाथुला क्या बताया था, चौथा बताया था डी का चौथा, तो डी का चौथा, डी का चौथा ये रहा, ए का तीसरा, ए का तीसरा ये रहा, बी का पहला, अच्छा बी का पहला, ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अर्णब दास थैंक यू, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैचिंग सही किया था, गलती से डी कर दिया था, ठीक है गाइस ओके। चलिए यहां पर देखिए पांचवा क्वेश्चन जो था इसका आंसर पपुआ न्यू गिनी है, चलिए ठीक है पपुआ न्यू गिनी इज द राइट आंसर, पपुआ न्यू गिनी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस आगे देखिए, आगे देखिए गाइस ठीक है आगे देखिए पांचवे में, आप यहां समझिए विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड है, नोट करिए विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड ग्रीनलैंड आइलैंड है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में है और किस देश के पास है, तो डेनमार्क के पास है गाइस, डेनमार्क नोट कर लीजिए गाइस, डेनमार्क के पास है नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला देखिए दूसरा पपुआ न्यू गिनी, यहां देखिए न्यू गिनिया, पपुआ न्यू गिनी दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, यहां देखिए पपुआ न्यू गिनी इंडोनेशिया के पास है, देखिए यहां पर ध्यान से इसका कुल क्षेत्रफल यहां पर पूरा दिया हुआ है और ये साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। तीसरा देखिए बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड देखिए इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का पार्ट यहां पर देखिए, इंडोनेशिया साउथ पार्ट, ब्रुनेई एंड मलेशिया नॉर्थ पार्ट, यहां पर ये रहा बोर्नियो, देखिए बोर्न जो ब्रुनेई की बात कर रहे हैं, ये रहा तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर जो अफ्रीका महाद्वीप में है, और पांचवा सबसे बड़ा आइलैंड है बेफिन आइलैंड जो कनाडा के पास लोकेटेड गाइस, ध्यान से देखिए पूरा का पूरा एक एक डायमेंशन एक एक बार पूरी तरह से दिया हुआ है। देखिए ध्यान से ग्रीनलैंड आइलैंड, नॉर्थ अटलांटिक, पपुआ न्यू गिनी, साउथ वेस्ट पैसिफिक, बोर्नियो आइलैंड की बात करें देखिए यहां पर बोर्नियो आइलैंड दिया हुआ है ऑलरेडी तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मेडागास्कर और साथ साथ में पांचवें नंबर पर बेफिन है। चले गाइस अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है, छठा सिक्स क्वेश्चन का जवाब दीजिए, रचना गुप्ता रचना गुप्ता रचना गुप्ता, एक ही चीज को बार बार रिपीट इसलिए किया जाता है किसी बच्चे ने अगर नहीं सुना तो फिर से सुन ले ताकि वो अच्छी तरह से कर सके। लाइव क्लास नहीं चल रहे, फेस टू फेस क्लास नहीं चल रही है क्योंकि आप वहां पर इतने दूर बैठे हो कि चीजों को हो सकता है मे बी कि कहीं पर मिस्टेक कर दें, इसलिए पूरी तरह से डायमेंशन पर पूरी तरह से पकड़ बनी रहे, इसलिए एक चीज को दूसरी बार रिपीट किया जाता है। चले छठा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या नहीं है, जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा, आरबीआई मुद्रा जारी करता है पहला, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में काम करता है तीसरा, आरबीआई को बैंकर के बैंक के रूप में जाना जाता है चौथा, आरबीआई क्रेडिट प्रवाह को विनियमित नहीं करता है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपकी बात, आरबीआई इश्यू करेंसी, आरबीआई एक्ट्स द बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, आरबीआई इज नॉन एज द बैंकर्स बैंक और RBI does not regulate the credit flow, guys 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 क्या जवाब होगा जरा जवाब तो दीजिए कमेंट बॉक्स में, आंसर बताएं क्या आंसर होगा आपका फटाफट बताएं, रचना गुप्ता का डी, रचना गुप्ता का डी, साथ साथ में सीएम का आंसर डी आ गया, प्रशांत कुमार का डी, और गाइस जवाब दीजिए गुजराती बॉय का डी, जैक स्पैरो का आंसर डी, प्रियंका यादव का डी आंसर आ रहा है, तो चले गाइस डी बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर गाइस बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, यानी अगर देखा जाए तो आरबीआई क्रेडिट प्रवाह को विनियमित करता है जबकि यहां पे नहीं वर्ड है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हुआ गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अगर आरबीआई की बात करें, आरबीआई की बात करें गाइस तो आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल
1935 को आरबीआई का फॉर्मेशन हुआ था हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई का फॉर्मेशन 1935 में किया गया था, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि आरबीआई वॉज फॉर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 1 अप्रैल 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जबकि इसका नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसके पहले बात करें ऑस्बर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले गवर्नर ऑस्बर्न स्मिथ थे। राइट नाउ शक्तिकांत दास एज ए आरबीआई के गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं प्रेजेंट टाइप में। चले गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन इज, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है शाइन ऑफ डायमंड, हीरा का चमकना, मर्चिका इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में मर्चिका, ग्लेयर इन ग्लास, कांच में दरार का चमकना, और डी ऑल ऑफ द अबव। जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा। कोशिश करें, यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें। साइंस का क्वेश्चन आ गया, यू कैन डू दिस, बनाइए गाइस क्या उत्तर होगा इसका। सातवें का उत्तर बताएं गाइस क्या उत्तर होगा। रचना गुप्ता का ऑल, सीएम का आंसर ऑल, वाणी सिंह का आंसर डी, गुजराती बॉय का ऑल। चले गाइस बहुत अच्छा, और गाइस गुजराती बॉय का ऑल, अर्णब दास का भी डी आंसर आ रहा है, अर्णब दास का डी। चले गाइस बहुत अच्छा, जाट का आंसर ऑल आ रहा है, और कुमार विकास का आंसर डी आ रहा है। कुमार विकास जी स्वागत है, और अर्णब दास का भी डी आ रहा है। तो चले गाइस बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। साइंस का सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था एज ए फिजिक्स, यानी हीरा का चमकना पूरी तरह से रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, साथ साथ में रेगिस्तान में मरीचिका ये भी पूरी तरह से रिफ्लेक्शन का उदाहरण है, और ग्लेयर इन ग्लास ये भी जो है एज ए इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है गाइस, एग्जाम्पल है। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो गाइस। गाइस गाइस, जिस बच्चे ने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया वो लाइक का बटन दबा दीजिए, जिस बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दीजिए गाइस, ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। तिवारी पंडित आठवां क्वेश्चन पढ़ें और जवाब दें। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है। इंग्लिश में देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। गाइस जवाब दें क्या उत्तर होगा। मैग्नीज, पोटेशियम, साथ साथ में फॉस्फोरस और कैल्शियम। गाइस जवाब दें क्या आंसर होगा आपका, फटाफट जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। रचना गुप्ता जवाब दीजिए क्या उत्तर है, गुजराती बॉय जवाब दीजिए क्या उत्तर है। आज जो है ये क्लास याद रहेगी हमेशा कि यहां पर मोटिवेशनल क्लासेस है, अच्छी तरह से हर एक डायमेंशन को पूरी तरह से पकड़ के समझाया जाता है गाइस। चले प्रियंका यादव का ही जाट का आंसर सी, रचना गुप्ता का एमजी। आगे गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा, वाणी सिंह का ए, और साथ साथ में करिश्मा का आंसर अब तक नहीं आया। अनिल भदौरिया का आंसर सी आ रहा है। अनिल भदौरिया स्वागत है आपका। गुजराती बॉय का मैग्नीज कह रहे हैं। चले गाइस बहुत अच्छा गाइस, मैग्नीज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, मैग्नीज द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही। अगर किसी बात करें तो पौधे की कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है उसको एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में मैग्नीज सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज किया जाता है गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मैग्नीज है, रट जाओ, याद कर लो, ताकि आगे कोई क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो गलत ना हो। चले गाइस अगला क्वेश्चन
ये रहा जवाब, दीजिए क्या उत्तर है आपका। नौवां क्वेश्चन ये रहा, तेजाश्री जवाब फर्स्ट पहला ना चाहिए, अब की बार जैक स्पैरो जवाब दीजिए क्या उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड, एस्बेस्टस धूल, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा यानी लेड। मैचिंग मिला दो क्या उत्तर होगा, जरा जल्दी जल्दी मैचिंग मिलाओ गाइस क्या उत्तर होगा, मैचिंग मिलाइए गाइस क्या उत्तर है आपका, फटाफट जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा, कोशिश करें क्या उत्तर है, जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है आपका। रचना गुप्ता जी नौवे का सी, रचना गुप्ता नौवे का सी। आगे गाइस जैक स्पैरो का डी, राज पटेल का आंसर सी। आगे जवाब दीजिए, कोशिश करें गाइस क्या उत्तर है। कुमार विकास का भी, आरती का आंसर डी, कोमल का आंसर सी, अनिल भदौरिया का सी, तेजा श्री का डी। आगे गाइस प्रशांत सक्सेना का आंसर डी आ गया। चले गाइस इसका आंसर आपका डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए डी इज द राइट आंसर, सीसा ये सुमेलित नहीं है, नोट कर लीजिए। हृदय का प्रभावित करता है सीसा, इट्स रॉन्ग। बाकी तीनों के तीनों मैच करते हैं, जबकि लास्ट का जो है ऐसे गलत हो गया गाइस, गलत हो गया गाइस गाइस गाइस। जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिस बच्चे ने अब तक शेयर का बटन नहीं दबाया शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें गाइस ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा, लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन सेशन का। रचना गुप्ता लास्ट क्वेश्चन है, पहला जवाब आपका आना चाहिए। रचना गुप्ता जवाब दो, तिवारी पंडित जवाब दो क्या उत्तर है। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट, आपातकाल के दौरान निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है सिवाय, चार ऑप्शन है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन संघ की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जीवन जीने की स्वतंत्रता, और डी फ्रीडम ऑफ असेंबली विदाउट आर्म्स हथियार के बिना सभा करने की स्वतंत्रता। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, आंसर बताएं गाइस क्या उत्तर होगा आपका। विकास जी स्वागत है आपका, विकास जी स्वागत है आपका, जवाब दीजिए दसवीं का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस। आरती का आंसर बी, ईशु पटेल का बी, प्रियंका यादव का सी। जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता, जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर है। प्रियंका यादव का सी आ रहा है, कुमार विकास का सी आ रहा है, हरिभजन मीना का सी आ रहा है, इंजीनियर राज पटेल का बी आ रहा है, जैक स्पैरो का सी। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस। प्रशांत सक्सेना का सी आ रहा है और इंजीनियरिंग राज पटेल का बी आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा। यस गाइस बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, यानी जीवन जीने की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल आपका 21 में है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये ऐसा राइट है जो इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं होता। अगर देखा जाए तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, ये दोनों ही कभी भी सस्पेंड नहीं किए जा सकते, कभी भी सस्पेंड नहीं होते गाइस। आर्टिकल 20 और 21, 20 में है वन क्राइम के लिए वन टाइम पनिशमेंट की बात की गई है, जबकि 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, जो नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ गाइस। एक इंफॉर्मेशन देने ध्यान सुनिए गाइस, एक इंफॉर्मेशन देने ध्यान सुनिए, आज रात 8 बजे 8 PM पर, 8 PM से 9 PM 9 PM आज रात
8 से 9 बजे मेरा फिर से लेक्चर है सीपीएफ पे, सीपीएफ और सीडीएस की तैयारी को लेकर के फिर से रात में लेक्चर है, 8 से 9 का लेक्चर है गाइस, नोट कर लीजिए। और फिर रात में आपको पता ही है 10 बजे गाइस, 10 पीएम पर जो लेक्चर चल रहा है इसमें ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, जियोग्राफी। जिस बच्चे को जियोग्राफी पढ़ना है रात के 10 बजे आ सकता है, और जिस बच्चे को दोबारा क्लास लेनी है और नए क्वेश्चन के साथ उसका स्वागत करना है तो गाइस रात के 8 बजे तुरंत एसएससी अड्डा पर पधारने का कष्ट करें। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए गाइस, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, सीडीएस का बैच, सीडीएस का न्यू बैच गाइस, सीडीएस का न्यू बैच जो है हमारा आपके साथ 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। सीडीएस का नया बैच 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जिस बच्चे को सीडीएस का बैच लेना है वो 20 जुलाई को ज्वाइन कर सकता है। टाइमिंग है गाइस, टाइमिंग है इसका 10 से 1 पीएम, 10 से 1 पीएम पर नया बैच, न्यू बैच सीडीएस का आ रहा है 20 जुलाई को। साथ साथ में इसमें इंडिया की सबसे टॉप फैकल्टी आपका स्वागत करेंगी। जिस बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना हो वो बैच ज्वाइन कर सकता है, नोट कर लीजिए गाइड्स, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चले गाइस, आज के लिए इतना काफी है और नेक्स्ट रात में फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।